नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि कोविड के खिलाफ चार इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज़्यादा है। मरीजों को ज़्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव पड़ा है। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों से बात करते हुए कहा कि हमने वाराणसी में कोविड को कंट्रोल करने में सफलता पाई है, लेकिन अभी फोकस वाराणसी और पूर्वांचल के गांवों को बचाने पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान नया मंत्र दिया कि अब हमें जहां बीमार वहीं उपचार के मंत्र को फॉलो करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के सेकेंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफ़ी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर सुरक्षित रहकर लोगों की सेवा कर पाए हैं। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन को सभी को जिम्मेदार समझना है और इसे लगवाना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य ध्रुत किस्म के रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ है। ऐसे में हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को बचाना ज़रूरी है और इस ओर कदम उठाना ज़रूरी है। पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से सतर्क रहना है और एक्शन लेना है। पीएम मोदी ने कहा कि संकट के इस वक्त में जनता की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन हमें अपने काम में लगे रहना है और उनके दुखों को दूर करना है।